सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा के परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 22 जनवरी 1988 की मुरली अव्यक्तवाणी रिपीट हो रही है। शिव भगवान कहते हैं, तुम बच्चों को स्नेह की शक्ति द्वारा पिताश्री ब्रह्मा समान बनना है। ब्रह्मा बाबा के हर कदम में विशेषताएं समाई रही, संकल्प में सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उल्लास रहता था। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, नाउम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर और युक्ति युक्त थे। ऐसे ही हर कर्म में बच्चों के साथी बनके बच्चों को भी कर्म योगी बनाया। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख, सब बच्चे वैसे ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। छोटे बच्चों को बच्चों समान बन के खुश किया, वानप्रस्थ को वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बनकर संबंध संपर्क में सदा उमंग उल्लास में लाया तथा अपनापन का अनुभव कराया। हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। हर आत्मा की विशेषता को देखा, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे, बच्चों को इन सभी विशेषताओं में ब्रह्मा बाबा समान बनना है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा बाबा ने सबसे बड़ा हिम्मत का कदम ये उठाया कि सब कुछ शिव बाबा पर समर्पित कर दिया, तन को भी समर्पण किया, मन को भी मनमना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया, हर संकल्प सिद्ध हो गया, धन को भी बिना भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन के सारा धन समर्पित कर दिया, लौकिक संबंधों को भी अलौकिक में परिवर्तन कर दिया, संबंधों को छोड़ा नहीं, सर्व संबंधों का बाबा ने कल्याण किया, लौकिक को अलौकिक संबंधों में बदल दिया। मैपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित कर दी, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, शिव बाबा की श्रीमत पर चले, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। लौकिक परिवार अथवा दुनिया की अनजान आत्माओं से बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। हमेशा एक बल, एक भरोसा, एक परम पिता परमात्मा का भरोसा और उसी की शक्ति के आधार से निश्चय बुद्धि नंबर वन बन के विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण उनकी बुद्धि सदा हल्की रही, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। निमितपन का भान पक्का रहा कि मैं तो शिव बाबा का हूं और बच्चे भी शिव बाबा के हैं, तो यही समर्थ संकल्प चले कि शिव बाबा सदा रक्षक है, यज्ञ रक्षक कल्याणकारी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत का पहला कदम समर्पणता का उठाया, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना लें, सदा कल्याण की बिंदी लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। तुम बच्चों को सदा ही ऊंची स्थिति में रहना है, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं डायरेक्ट शिव बाबा के संतान, तो पुरुषोत्तम स्थिति होनी चाहिए।
चोटी की स्थिति में स्थित रहना ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं ना। दूसरे नशों के लिए कहते हैं कि कम करो, रूहानी नशे के लिए कहते हैं इस नशे को बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान करने वाला नहीं है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये खुमारी ये नशा चढ़ा रहे कोई बात नहीं। इस नशे से पुरानी दुनिया भूल जाती है, नई दुनिया की स्मृति आती है। ये नशा रहता है, अभी हम डायरेक्ट भगवान की रचना है। आपके चेहरे से, आपके चलन से अनुभव हो कि ये ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की ऊंचे ते ऊंची रचना है। कुमारियों को संबोधित करते हुए भगवान शिव ने कहा कि कुमारियां सेवाधारी बन के सेवा में आगे बढ़ते चलो, श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण रखो तो खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। कुमारियों की ही पूजा की जाती है क्योंकि पवित्र है। ऐसे स्वयं को भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। माताओं को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा कि एक एक माता जगत माता बनके विश्व का कल्याण करे। सारे विश्व का परिवर्तन करना बहुत बड़ा कार्य है। जिससे अधिक स्नेह होता है, अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे समर्पण कर देते हैं। जिस ब्रह्मा बाबा ने भी जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, एक अलौकिक प्यार तुमने भर दिया, जीवन को बलिहार शिव पे कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ शिव बाबा पर अर्पण कर दिया, तन मन धन संबंध संपर्क सब, ऐसे हम बच्चों को भी सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण करना है। शिव बाबा भी स्नेहवश स्नेही बच्चों को सर्व सुखों की प्राप्ति करा देते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए मौज करा देते हैं, सुख शांति आनंद का वर्षा दे देते हैं। ऐसे ही बच्चों के स्नेह का सबूत क्या है? अगर हमारा भगवान से प्यार है तो हम क्या करें? सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ प्रभु के अर्पित कर दे, शिव बाबा को अर्पित कर दे। जहां स्नेह होता है वहीं योग है, जहां स्नेह नहीं होता वहां योग नहीं है, कई जगह कई बार वियोग है। और योग है तो सहयोग है, क्योंकि योगी सहयोगी भी होता है। कहीं पे भी शुभ कार्य हो योगी वहां खड़ा हो जाता है, हिम्मत का हाथ बढ़ाता है वहां। तो हमें योगी सहयोगी बनना है, प्रभु स्नेही बनना है। साकार कर्म करने में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बहुत आसान विधि हमें मिल गई कि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, बड़ी बड़ी दादियां सैंपल हैं, उनको हम देख के आगे बढ़ सकते हैं। साकार कर्म करने में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, क्योंकि उन्होंने परफेक्शन से कर्म किए श्रीमत पर। और अशरीरी बनने में निराकार शिव बाबा को हमें फॉलो करना है कि शिव बाबा कैसे एक सेकंड में ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, एक सेकंड में शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे हमें भी एक सेकंड में इस काया में प्रवेश करें और एक सेकंड में इस काया को छोड़कर परम धाम पहुंच जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो